नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रौनक ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज टाटा कंपनी नमक से लेकर कपड़े तक सब कुछ बनाती है और अब तो वह एरोप्लेन भी बनाने जा रही है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि टाटा ने आज तक मोटरसाइकिल क्यों नहीं बनाई, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाइक का मार्केट है और यहाँ हर साल करीब 3.5 करोड़ से ज़्यादा विभिन्न प्रकार के मोटरसाइकिल बनाई और बेची जाती है। तो टाटा ग्रुप इस रेस में पीछे क्यों रह गया? टाटा ग्रुप सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है और आज के समय में भारत के बिगेस्ट ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों टाटा इतने बड़ी मार्केट में कभी एंट्री किया ही नहीं। दोस्तों, यह बात साल 2003 की है, जब रतन टाटा अपने कार से ट्रैवल कर रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल उनकी कार को ओवरटेक करती है जिस पर 4 लोग सवार थे। आगे चलकर उस बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उस फैमिली के मेंबर को काफ़ी चोटें आती हैं और वो सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। वो हादसा बहुत ही दर्दनाक था और ये सब रतन टाटा ने खुद अपनी आंखों से देखा था और तभी से वे टू व्हीलर को सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं मानते हैं। वैसे ही एक बार किसी इंटरव्यू में रतन टाटा से पूछा गया था कि आखिर टाटा ग्रुप टू व्हीलर मार्केट में क्यों नहीं उतर रहा, तो उस पर उन्होंने कहा कि टाटा ग्रुप का पैसेंजर व्हीकल मार्केट के अंदर कमिटमेंट सेफ्टी और कन्वीनियंस को लेकर के है और टाटा ग्रुप टू व्हीलर को सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मानता ही नहीं है। यही कारण है कि टाटा ग्रुप टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में नहीं आना चाहती। अगर हम टाटा कंपनी की स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की बात करें तो टाटा ने हमेशा ही अपने प्रॉफिट से ज़्यादा लोगों के सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान दिया है। टाटा की कम प्राइस वाली कार भी दूसरे ब्रांड की कार से ज़्यादा सेफ होती है। टाटा कंपनी पूरे भारत में वन ऑफ द सेफेस्ट कार बनाने के लिए जानी जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 80% एक्सीडेंट में टू व्हीलर शामिल होते हैं और इन एक्सीडेंट में 85% से 90% तक मरने वाले लोग मोटरसाइकिल से ट्रैवल कर रहे होते हैं। सरकार चाहे जितने भी रूल्स बना लें, लेकिन भारत में लोग फिर भी बिना हेलमेट के पहनकर गाड़ी चलाते हैं, सड़क पर ट्रिपल सीट घूमते हैं, यहाँ तक कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल से भी बात करने लगते हैं और इन सब कारण से न जाने कितने लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं। और शायद यही कारण है कि टाटा ग्रुप कभी भी टू व्हीलर बाइक नहीं बनाई। लेकिन यह तो सिर्फ एक रीज़न हो गया, लेकिन इन सब के पीछे एक और भी रीज़न है, रिस्क ऑफ फेलियर। टाटा ग्रुप टू व्हीलर न बनाने के पीछे दूसरा बड़ा रीज़न हो सकता है, क्योंकि टू व्हीलर एक बहुत ही कम्पिटिटिव और रिस्की मार्केट है। यहाँ पहले से ही बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस मार्केट को लीड कर रही हैं, जैसे कि हीरो मोटरकॉर्प, बजाज, यामाहा, सुजुकी ETC, और टाटा पहले भी बहुत बड़ी फेलियर से गुजर चुका है। 1991 में जब टाटा ने कॉमर्शियल व्हीकल के साथ पैसेंजर व्हीकल बनाना शुरू किया था और अपनी पहली कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया था, उस समय वह इंडिका पूरी तरह से फेल हो गई थी। इंडियन मार्केट में यह बहुत अच्छे तरीके से फ्लॉप हो गई। टाटा के इस फेलियर का सबसे बड़ा कारण था मार्केट की पूरी तरह से रिसर्च न करना। यही चीज़ हुई टाटा के नैनो के साथ। टाटा नैनो प्रोजेक्ट के कारण टाटा को एक पूरी की पूरी मेगा फैक्ट्री बेंगलोर से गुजरात तक शिफ्ट करनी पड़ी थी और टाटा ने नैनो को रिप्रेजेंट कराने में मिस्टेक किया, जिसके कारण टाटा नैनो टाटा ग्रुप की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फेलियर बन गई। तो दोस्तों, इसके बाद टाटा ग्रुप ने एक सीख तो जरूर ली कि जिस मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो और आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो और आपके पास ज़्यादा एक्सपोर्ट भी ना हो, तो उसमें एंट्री करने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए। वैसे भी टाटा ने सोचा होगा किसी नए मार्केट में जाने से अच्छा है कि अपने कार्स को और बेहतर बनाया जाए, अपने सर्विसेज को भी और बेहतर बनाया जाए। तो दोस्तों, यही सब कारण से हो सकता है टाटा ने टू व्हीलर के मार्केट में अभी तक एंट्री नहीं की है। वैसे क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में टाटा कभी टू व्हीलर के मार्केट में आ सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।